हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी होम रेमेडी जो आपकी आईब्रोज़ को काफ़ी थिक और ब्लैक बनाएगी। हम ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी आईब्रोज़ बहुत हल्की है, आईब्रोज़ में बाल बहुत कम है, जिसकी वजह से वो उतनी अच्छी नहीं दिखती है और हमको उनको थिक दिखाने के लिए मेकअप की ज़रूरत पड़ती है। तो अब से ऐसा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप रेमेडी यूज़ करिए और देखेंगे 1 मंथ में आपकी आईब्रोज़ कितनी थिक और कितनी ब्लैक हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं एक ओनियन। यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज का ओनियन लिया है क्योंकि जितने जूस की हमको रिक्वायरमेंट है वो इसी ओनियन से मिल जाएगा। ज़्यादा बड़े और ज़्यादा बहुत ज़्यादा जूस निकालने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम अच्छी तरह से पील कर लेंगे। मैंने इसको यहाँ पे पील कर लिया है। अब जो अगला स्टेप है वो है इसको ग्रेट करना। मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है और ग्रेटर ले लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लूँगी। ये देखिए, मैं ग्रेट कर रही हूँ और इसका जूस अभी से ओनियन से अलग होने लगा है। इसको अच्छी तरह ग्रेट कर लीजिए और जो अगला स्टेप होगा वो होगा इसको अच्छी तरह से छन्नी की सहायता से छान लेना है और इसका जूस हमको निकाल के अलग कर लेना है। ये देखिए, हमको कितनी अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर जूस मिला है। तो फ्रेंड्स, ओनियन जूस में सल्फर होता है जो स्कैल्प में जाकर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिसमें न्यू हेयर आने में हेल्प मिलती है। प्याज में एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो बालों को गिरने से रोकते हैं। तो अब इसको अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कॉटन लिया है। इसको हम जूस में डिप करेंगे और इसको अच्छी तरह से अपनी आईब्रोज पर लगा लेंगे। फिर इसको रिंग फिंगर की हेल्प से धीरे धीरे मसाज करेंगे बहुत ही हल्के हाथों से। ये स्टेप हमको 3 से 4 बार करना है। आप एक बार यूज़ करेंगे और एक बार कॉटन बॉल जूस में डिप करेंगे, उसके बाद आप लगाएंगे, मसाज देंगे, फिर से डिप करेंगे, फिर लगाएंगे, उसके बाद मसाज देंगे। ये कम से कम आपको 4 से 5 बार करना है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में ही ये सारा कुछ हो जाएगा। लगाने के बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसको आपको वॉश नहीं करना है। इसको कम से कम 2 आवर्स के लिए अपने आईब्रोज़ पे लगे रहने देना है। इसलिए मैं प्रिफ़र करूँगी कि आप इसको रात में यूज़ करें और सुबह उठ के आप इसको वॉश कर लें। ऐसा आपको कम से कम 1 मंथ तक करना है। इसका रिज़ल्ट तो आपको 10 to 12 days में दिखने लगेगा, लेकिन अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपको 1 मंथ इसको यूज़ करना होगा। फिर आप देखेंगे आपकी आईब्रोज़ कितनी थिक और ब्लैक हो जाती हैं। फिर आपको इसके लिए किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका जूस आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, आप निकालिए, यूज़ करिए। बस पर डे आपको निकालना है, पर डे यूज़ करना है। अगर आपकी लाइफस्टाइल कुछ ज़्यादा ही बिजी है तो आप निकाल के 24 आवर्स के लिए रख सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि आप उसी दिन निकाल के उसी दिन यूज़ करिए। इसको रखना नहीं होता है। सो आप इसको यूज़ करिए और बताइए कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।